हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो उससे पहले कुछ बेसिक्स ले लेते हैं। सबसे पहले एरिया प्रोजेक्टेड ऑन एक्स एक्सिस। सपोज करते हैं हमारे पास कोई एक कर्व है जिसका एरिया एक्स एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्टेड है। इस कर्व की शुरुआत एक्स इक्वल टू ए से हो रही है और इस कर्व का एंड एक्स इक्वल टू बी पे हो रहा हो, और अगर हमें इस कर्व के नीचे का एरिया निकालने के लिए कहा गया तो हम सबसे पहले इस कर्व को एक्सप्लिसिटली इन टर्म्स ऑफ एक्स एक्सप्रेस करेंगे, यानी वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स के टर्म्स में लिखेंगे। फिर हम एफ ऑफ एक्स को ए से लेकर बी तक जो एक्स की लिमिट्स है इंटीग्रेट कर देंगे, तो हमें इस कर्व के नीचे का एरिया मिल जाएगा। सिमिलरली अगर किसी कर्व का एरिया वाई एक्सिस पे प्रोजेक्टेड हो तो इस कर्व के इक्वेशन को हम एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई के टर्म्स में लिखेंगे, यानी एक्सप्लिसिटली इन टर्म्स ऑफ वाई लिखेंगे। फिर हम इस कर्व के इक्वेशन को y इक्वल टू p से लेकर y इक्वल टू q तक इंटीग्रेट कर देंगे, यानी इस कर्व के नीचे का एरिया हमको मिलेगा इंटीग्रेशन फ्रॉम p टू q ऑफ f ऑफ y dy से। अब हम देखते हैं कि एरिया बिटवीन द कर्व्स कैसे निकालते हैं। सपोज करते हैं हमारे पास दो कर्व्स हैं, एक है कॉन्वेक्स कर्व और एक है कॉन्केव कर्व, और हमें इन दोनों के बीच का एरिया निकालने के लिए कहा गया है, यानी ये जो शेडेड पोर्शन है ये निकालने के लिए कहा गया है। तो हम लोग सबसे पहले कॉन्वेक्स कर्व को इंटीग्रेट कर लेंगे तो पूरा उसके नीचे का एरिया मिल जाएगा। फिर हम कॉन्केव कर्व को भी इंटीग्रेट कर लेंगे तो उसके नीचे का एरिया मिल जाएगा, लेकिन जो कॉन्केव कर्व के नीचे का एरिया है ये हमको नहीं चाहिए। तो हम लोग कॉन्वेक्स कर्व के इंटीग्रेशन में से कॉन्केव कर्व के इंटीग्रेशन को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमें जो रिक्वायर्ड शेडेड पोर्शन है ये मिल जाएगा। तो ये एरिया बिटवीन द कर्व्स हम ऐसे निकालते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी एक्सरसाइज से, जो कि एक्सरसाइज 6.1 है। इसमें मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड बाउंडेड बाय y इक्वल टू 4x स्क्वायर, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 4। y इक्वल टू 4x स्क्वायर हमें पता है कि पैराबोला का इक्वेशन है, x इक्वल टू 0 y एक्सिस का इक्वेशन है, y इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 4 आर टू लाइंस पैरेलल टू x एक्सिस। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको पैराबोलास की चार ब्रॉड कैटेगरीज बता देता हूँ। सबसे पहली है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, यानी इक्वेशन के एक साइड में y के टर्म्स होंगे लीनियर में और एक साइड में x के टर्म्स होंगे क्वाड्रेटिक में। तो ये जो पैराबोला होगा ये अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस होगा और इसका वर्टेक्स जो होगा वो ओरिजिन के ऊपर होगा, ठीक है। y लीनियर और x क्वाड्रेटिक, तो अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। उसी तरीके से माइनस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर होगा तो ये अलोंग द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस बनेगा। उसी तरीके से एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर होगा तो अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, और नेगेटिव एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर होगा तो अलोंग द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो चलिए देखते हैं इसके सोल्यूशन को। इक्वेशन ऑफ कर्व हमें दिया है, दैट इज वाई इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर। हमें पता है कि ये पैराबोला है अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, तो इसको हमने यहाँ पे बना लिया। फिर हमें कुछ लाइन्स दी हुई थी, दैट इज वाई इक्वल टू 2, वाई इक्वल टू 4 एंड x इक्वल टू 0, यानी y एक्सिस। और हमें अब कहा गया था कि एरिया बिटवीन देम एंड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एरिया है वो ये शेडेड पोर्शन है, यानी हमें शेडेड एरिया पता लगाना है, ठीक है। तो ये शेडेड एरिया पता लगाने के लिए हमें इस कर्व को इंटीग्रेट करना पड़ेगा जो कि प्रोजेक्टेड ऑन y एक्सिस है, और ये शुरुआत हो रही है y इक्वल टू 2 से और इसका एंड हो रहा है y इक्वल टू 4 पे, यानी इस कर्व को हम x इक्वल टू एफ ऑफ वाई के टर्म्स में लिखेंगे, फिर एफ ऑफ वाई को इंटीग्रेट कर लेंगे y इक्वल टू 2 से y इक्वल टू 4 तक, तो हमें शेडेड एरिया मिल जाएगा। अब हमें इक्वेशन ऑफ कर्व जो दिया हुआ था वो y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर दिया हुआ है, लेकिन हमें तो इसको x इक्वल टू एफ ऑफ वाई के टर्म्स में लिखना है, यानी x को कंप्लीटली इन टर्म्स ऑफ y एक्सप्रेस करना है। तो यहाँ पे हम लोग एक्स स्क्वायर की वैल्यू लिख लेंगे, दैट इज y बाय 4, तो x की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ y अपॉन 4, तो x की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ y अपॉन 2, जो कि हमारा f ऑफ y है। अब अगर हम इस f ऑफ y को इंटीग्रेट कर लेंगे तो हमें शेडेड पोर्शन मिल जाएगा। तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 टू 4 अंडर रूट ऑफ y अपॉन 2 dy। यहाँ पे 1 अपॉन 2 को हम इंटीग्रेशन साइन के बाहर निकाल लेंगे, कांस्टेंट है इस वजह से। फिर अंडर रूट ऑफ वाई को हम लिख लेंगे वाई रेस टू 1/2 dy। वाई रेस टू 1/2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा वाई रेस टू 3/2 अपॉन 3/2। यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 1/3 वाई रेस टू 3/2 फ्रॉम 2 टू 4। अब हम इसके अंदर एक बार अपर लिमिट माइनस एक बार लोअर लिमिट y की जगह सब्सटीट्यूट कर लेंगे तो हमारा इक्वेशन कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा, दैट इज 1/3 4 रेस टू 3/2 माइनस लोअर लिमिट 2 रेस टू 3/2। इसको फर्दर सॉल्व करने पे हमें मिलेगा 1/3 इंटू ब्रैकेट 8 माइनस 2√2, जो कि हमारा रिक्वायर्ड एरिया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ एलिप्स x स्क्वायर बाय 4 प्लस y स्क्वायर बाय 25 इज इक्वल टू 1।
इसको हम स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स से कंपेयर कर लेते हैं, दैट इज एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। तो हमें ए स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी 4 और बी स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी 25। अगर हमें इसको प्लॉट करना है तो हमें ए की वैल्यू और बी की वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी। तो हम ए को सॉल्व करेंगे तो हमें ए की दो वैल्यूज मिलेंगी, दैट इज इक्वल टू प्लस टू एंड इक्वल टू माइनस टू। उसी तरीके से बी की भी दो वैल्यूज मिलेगी, प्लस फाइव एंड माइनस फाइव। जब हम इन सारी वैल्यूज को प्लॉट कर लेंगे तो हमें इस तरीके का एलिप्स मिलेगा और हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। लेकिन एलिप्स अलॉन्ग द एक्स एक्सिस एंड अलॉन्ग द वाई एक्सिस सिमेट्रिकल है, तो अगर हम इस क्वार्टर का भी एरिया निकालते हैं यानी शेडेड पोर्शन निकालते हैं और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमें टोटल एरिया ऑफ एलिप्स मिल जाएगा। अब ये शेडेड पोर्शन निकालने के हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम इस कर्व को वाई एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्ट करें यानी एरिया को वाई एक्सिस पर प्रोजेक्ट करें, या फिर हम एक्स एक्सिस पर भी प्रोजेक्ट करके निकाल सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमने वाई एक्सिस पर प्रोजेक्ट करके निकाला था, इस क्वेश्चन को हम एक्स एक्सिस पर प्रोजेक्ट करके निकाल लेंगे। तो हमें इक्वेशन ऑफ कर्व को इस टर्म में लिखना पड़ेगा, दैट इज वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और हम इस कर्व को इंटीग्रेट कर लेंगे एक्स इक्वल टू जीरो से एक्स इक्वल टू टू तक, तो हमें शेडेड पोर्शन मिल जाएगा। तो हमें इक्वेशन ऑफ कर्व दिया हुआ है, दैट इज एक्स स्क्वायर बाई फोर प्लस वाई स्क्वायर बाई 25 इक्वल टू वन। इस पूरे इक्वेशन को हम अगर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं थ्रू आउट तो हमें मिल जाएगा 25x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 100। अब हम 25x स्क्वायर को RHS पे भेज देंगे तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा 4y स्क्वायर इक्वल टू 100 माइनस 25x स्क्वायर। जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू हो जाएगी 5 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ 4 माइनस x स्क्वायर, जो इस फॉर्म में है, दैट इज y इक्वल्स टू f ऑफ x के। अगर किसी को सोल्यूशन देखना हो तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। अब हमारा रिक्वायर्ड एरिया हमें पता है कि 4 टाइम्स शेडेड पोर्शन होगा, और शेडेड पोर्शन निकालने के लिए हमें एफ ऑफ एक्स को इंटीग्रेट करना है एक्स इक्वल टू जीरो से लेकर एक्स इक्वल टू टू तक, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमें पता है कि 5/2 अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर को हम 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख लेंगे, 5 अपॉन 2 कॉन्स्टेंट है उसको बाहर निकाल लेंगे, और यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स बाई 2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए। तो जब इसके ऊपर फॉर्मूला लगा लेंगे और लिमिट सब्सटीट्यूट कर देंगे, दैट इज 0 से लेकर के 2 तक, तो हमारा इक्वेशन कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा अपर लिमिट और लोअर लिमिट सब्सटीट्यूट करने के बाद। 10 इंटू 2 अपॉन 2 अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ 2 बाई 2 माइनस 0 बाई 2 अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 2 स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ 0 अपॉन 2। तो यहाँ पे जितने भी टर्म्स 0 हो रहे हैं हमने उनको हटा दिया, तो हमारा फाइनल इक्वेशन बनेगा 10 इंटू 2 साइन इनवर्स ऑफ 1। साइन इनवर्स की वैल्यू हम सब्सटीट्यूट कर देंगे, दैट इज पाई बाई 2, 2 कैंसिल, तो हमारा फाइनल एरिया हो जाएगा 10 पाई स्क्वायर यूनिट्स। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। तो ये वाला क्वेश्चन सेम इसी की तरह है जो अभी हमने किया। तो हम इस क्वार्टर का एरिया निकालेंगे, उसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें पूरा एरिया ऑफ सर्कल मिल जाएगा। तो इसको आप खुद से ट्राई करें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व वाई इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर। अगर इस इक्वेशन को हम देखेंगे तो इसकी एक साइड में लीनियर वाई है और दूसरी साइड में क्वाड्रेटिक एक्स है, जो कि पैराबोला का फॉर्म है। इसको और आसानी से समझने के लिए हम इक्वेशन को इस तरीके से लिख लेते हैं, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू माइनस वाई। मैंने x के टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में लाया है और y के टर्म्स को राइट हैंड साइड में लाया है। अब हमने थर्ड टर्म का एक फॉर्मूला देखा था कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में 10th स्टैंडर्ड में, जो कि था थर्ड टर्म इक्वल टू हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x द होल स्क्वायर। तो x का कोएफिशिएंट है माइनस 2, हम इसके अंदर फॉर्मूले में डालेंगे तो हमें थर्ड टर्म की वैल्यू मिलेगी 1। अब इस इक्वेशन के अंदर हम दोनों साइड पे 1 को ऐड कर लेते हैं तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू माइनस वाई प्लस 1। लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम देखेंगे तो ये x माइनस 1 द होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, तो हम इसको लिख लेंगे x माइनस 1 द होल स्क्वायर, और राइट हैंड साइड पे हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो राइट हैंड साइड हमारा हो जाएगा माइनस वाई माइनस 1। अब अगर इसको हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला से तो ये हमको दिखेगा कि लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स स्क्वायर है और राइट हैंड साइड पे नेगेटिव वाई है। तो ये पैराबोला है अलॉन्ग द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो एक्स के साथ माइनस वन है और वाई के साथ माइनस वन है ये क्या है। जब भी पैराबोला के इक्वेशन में एक्स और वाई अगर अकेले होंगे तो इस पैराबोला की वर्टेक्स लाई करेगी ओरिजिन पे यानी 0,0 पे, और अगर एक्स के साथ माइनस में एच हो और वाई के साथ माइनस में के हो तो इस पैराबोला की वर्टेक्स लाई करेगी h, k पे, जो हमारी केस में हो रहा है।
तो हमारा इक्वेशन है x माइनस वन द होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ y माइनस वन। तो अगर हम इस इक्वेशन से इसको कंपेयर करेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा कि हमारी जो वर्टेक्स है वो 1.1 पे लाई कर रही है। तो हमारा पैराबोला अलोंग द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस पे बनेगा और उसकी वर्टेक्स 1.1 पे होगी। तो अब देखते हैं इसके सोल्यूशन को। हम इक्वेशन ऑफ कर्व लिख लेंगे और शो कर देंगे कि ये पैराबोला है और इसकी वर्टेक्स 1.1 पे लाई कर रही है। हमें पता है कि वर्टेक्स 1.1 पे है और ये पैराबोला अलोंग द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये x एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा, कहाँ इंटरसेक्ट करेगा। तो x एक्सिस के साथ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए हम x एक्सिस के इक्वेशन को यानी y इक्वल टू जीरो को सब्सटीट्यूट करते हैं पैराबोला के इक्वेशन में। तो हमारा इक्वेशन कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इक्वल टू जीरो। तो इसको फर्दर सॉल्व करने पे हमें x की दो वैल्यूज मिलेगी, दैट इज x इक्वल टू जीरो एंड x इक्वल टू टू। यानी ये जो पैराबोला है ये x एक्सिस को इन दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हमारा पैराबोला कुछ इस तरीके से बनेगा। अब हमें शेडेड पोर्शन निकालना है। तो ये शेडेड पोर्शन कहाँ पे प्रोजेक्टेड है, x एक्सिस पे प्रोजेक्टेड है। x इक्वल टू जीरो से लेकर x इक्वल टू टू तक के अगर इस कर्व को इंटीग्रेट कर लेंगे तो इस कर्व के नीचे का एरिया मिल जाएगा जो कि हमारा रिक्वायर्ड एरिया है। तो इसके सोल्यूशन को देख लेते हैं। रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू शेडेड पोर्शन इंटीग्रेशन, शेडेड पोर्शन इज इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम एक्स इक्वल टू जीरो टू एक्स इक्वल टू टू। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, टू एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा टू टाइम्स एक्स स्क्वायर बाई टू, टू टू कैंसल, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन थ्री। यहाँ पे हम लिमिट सब्सटीट्यूट कर लेंगे, दैट इज अपर लिमिट टू माइनस लोअर लिमिट जीरो। तो इसको सॉल्व करने पर हमें एरिया मिलेगा 4/3 स्क्वायर यूनिट्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन लाइंग बिटवीन द पैराबोलास वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। ये जो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स है ये अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस पैराबोला है जिसको मैंने ब्लैक से बनाया है, और जो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई है ये अलॉन्ग पॉजिटिव वाई एक्सिस पैराबोला है जिसको मैंने ब्लू से बनाया है, और इन दोनों के बीच में जो एरिया है वो ये शेडेड पोर्शन है जो हमें निकालना है। ठीक है, तो हम अगर ब्लैक पैराबोला को इंटीग्रेट करते हैं तो हमें ये पूरा वाला एरिया मिल जाएगा सेक्टर का, और अगर ब्लू पैराबोला को इंटीग्रेट करते हैं तो ये नीचे का व्हाइट वाला एरिया मिलेगा जो कुछ काम का नहीं है। तो हमें अगर शेडेड पोर्शन निकालना है तो हम ब्लैक पैराबोला का इंटीग्रेशन माइनस ब्लू पैराबोला का इंटीग्रेशन कर लेंगे तो हमें शेडेड पोर्शन मिल जाएगा। अब हम ब्लैक पैराबोला और ब्लू पैराबोला को इंटीग्रेट कर सकते हैं दो तरीके से, या तो वाई पे प्रोजेक्ट करके या तो एक्स पे प्रोजेक्ट करके। तो हम यहाँ पे इसको एक्स पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो एक्स इक्वल टू जीरो से लेकर एक्स इक्वल टू वन तक के हमें दोनों पैराबोलास को इंटीग्रेट करना है। अभी जो x इक्वल टू वन है ये मिला कैसे, देखिए ये जो पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दो पैराबोलास का। तो अगर हम एक पैराबोला के इक्वेशन को दूसरे पैराबोला के इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देंगे तो हमें दो पॉइंट्स मिलेंगे, और ये दो पॉइंट्स इन दो पैराबोलास के पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन होंगे। तो एक मिलेगा 0.0, दूसरा मिलेगा 1.1, जिसको मैंने सॉल्व करके आगे सॉल्यूशन में बताया है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इक्वेशन ऑफ पैराबोला 1, दैट इज x इक्वल टू वाई स्क्वायर। इसको हम y इक्वल टू रूट एक्स लिख लेंगे क्योंकि हमें एक्सप्लिसिटली एक्सप्रेस करना है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में, क्योंकि हमारी लिमिट x की है तो फंक्शन भी x का होना चाहिए जो मिलता है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स से। तो मैंने इसको लिख लिया y इक्वल टू रूट एक्स। उसी तरीके से इक्वेशन ऑफ पैराबोला ऑलरेडी उस फॉर्म में दिया हुआ है, दैट इज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब हम इक्वेशन वन में इक्वेशन टू को सब्सटीट्यूट कर लेंगे तो हमें पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन मिलेंगे। तो इक्वेशन वन को इक्वेशन टू में सब्सटीट्यूट करने पे हमें मिलेगा y इक्वल टू y रेस टू 4। अब यहाँ पे हम y को सब एक साइड पे लेकर जाएंगे तो हमें मिल जाएगा 0 इक्वल टू y इंटू वाई क्यूब माइनस 1। इसको फर्दर सॉल्व करने पे हमें मिलेगा y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 1। अब इन दोनों वैल्यूज़ को एक एक करके हम इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 जिसमें चाहे डाल सकते हैं। तो जब y की वैल्यू 0 डालेंगे तो x की वैल्यू भी 0 मिलेगी, और y की वैल्यू 1 डालेंगे तो x की वैल्यू भी 1 मिलेगी। तो ये जो दो पॉइंट्स है 0.0 एंड 1.1, ये हमारे पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन है जिसमें से हमें x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1 की ज़रूरत है, क्योंकि ये हमारे लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है। अब हम हमारा रिक्वायर्ड एरिया निकाल लेते हैं जो कि शेडेड पोर्शन है। तो शेडेड पोर्शन मिलेगा कैसे, शेडेड पोर्शन मिलेगा एरिया अंडर द पैराबोला 1 माइनस एरिया अंडर द पैराबोला 2 से। एरिया अंडर द पैराबोला 1 मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स से, और एरिया अंडर द पैराबोला 2 मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स से। जब हम इसके अंदर वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स की तो हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1 अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1 एक्स स्क्वायर dx। जब हम यहाँ पे इंटीग्रेशन निकाल लेंगे और अपर लिमिट लोअर लिमिट सब्सटीट्यूट कर लेंगे तो हमारी फाइनल वैल्यू एरिया की मिलेगी 1/3 स्क्वायर यूनिट्स। अगर आपको सोल्यूशन देखना हो तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर
एंड द लाइन y इक्वल टू x इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज। तो हमारे पास पैराबोला है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो अलॉन्ग पॉजिटिव y एक्सिस है और लाइन है y इक्वल टू x। इन दोनों को हम प्लॉट कर लेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसा फिगर बनेगा। अब हमें ये जो शेडेड पोर्शन है इन दोनों के बीच में इसको निकालना है। तो ये मिलेगा कैसे, अगर हम लाइन को इंटीग्रेट करते हैं तो ये पूरा एरिया मिल जाएगा और अगर पैराबोला को इंटीग्रेट करते हैं तो नीचे का व्हाइट वाला एरिया मिलेगा जो कुछ काम का नहीं है। तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया हमको मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ लाइन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पैराबोला से। हम लाइन का इक्वेशन सपोज करते हैं एफ ऑफ एक्स से और पैराबोला का इक्वेशन सपोज करते हैं जी ऑफ एक्स से, ठीक है। अब हमें एक्स के टर्म्स में क्यों लिखना है, क्योंकि हम इसका एरिया एक्स पे प्रोजेक्ट करके निकाल रहे हैं। तो हमें जो लिमिट्स मिलेगी एक्स इक्वल टू जीरो से एक्स इक्वल टू वन तक मिलेगी। ये एक्स इक्वल टू वन कैसे आया ये हम आगे सॉल्यूशन में देखेंगे। तो सबसे पहले हम इक्वेशन ऑफ लाइन लिख लेते हैं दैट इज वाई इक्वल टू एक्स और फिर इक्वेशन ऑफ पैराबोला दैट इज वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब ये जो दो पॉइंट्स है ये पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन है पैराबोला के और लाइन के। तो अगर मैं लाइन के इक्वेशन को पैराबोला में सब्सटीट्यूट कर दूं या पैराबोला के इक्वेशन को लाइन में सब्सटीट्यूट कर दूं तो मुझे पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएंगे। तो जब हम पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे साइमल्टेनियसली सॉल्व करके तो हमें दो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन मिलेंगे दैट इज 0,0 एंड 1,1, जिसमें से हमें एक्स इक्वल टू जीरो से एक्स इक्वल टू वन की ज़रूरत है जो हमारी लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है, यानी x इक्वल टू जीरो से x इक्वल टू वन तक। तो हमें जो इंटीग्रेशन करना है लाइन का वो भी जीरो से वन तक करना है और जो पैराबोला का इंटीग्रेशन करना है वो भी जीरो से वन तक करना है। तो हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया है वो हमारा शेडेड पोर्शन होगा। शेडेड पोर्शन मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ लाइन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पैराबोला से। तो इंटीग्रेशन ऑफ लाइन यानी इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ पैराबोला यानी इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है एक्स और जी ऑफ एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर। इसको सॉल्व करने पे हमें मिलेगा एरिया 1/6 स्क्वायर यूनिट्स। काफ़ी सिंपल इंटीग्रेशन है, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया एनक्लोज बिटवीन द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन एंड द लाइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू वन लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन जिसका रेडियस वन होगा। तो हमने इसको यहाँ पे बना लिया, प्लॉट कर लिया। फिर उसके बाद हमें ये लाइन बनानी है दैट इज एक्स प्लस वाई इक्वल टू वन। इसको बनाने के लिए हम इसको डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख लेते हैं दैट इज एक्स बाय वन प्लस वाई बाय वन इज इक्वल टू वन। तो हमें पता है कि एक्स के नीचे एक्स इंटरसेप्ट होता है तो वो पॉइंट हमें मिल गया दैट इज 1,0 और y के नीचे y इंटरसेप्ट होता है तो वो पॉइंट भी हमें मिल गया दैट इज 0,1। तो हम लाइन को भी प्लॉट कर लेंगे जो ऐसी कुछ बनेगी। तो हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया है वो ये शेडेड पोर्शन है। तो ये शेडेड पोर्शन हमको मिलेगा कैसे, तो हम सर्कल को इंटीग्रेट कर लेंगे तो हमें पूरे क्वार्टर का एरिया मिल जाएगा। फिर हम लाइन को इंटीग्रेट कर लेंगे तो व्हाइट वाला एरिया मिल जाएगा जो हमारे काम का नहीं है। तो हमें शेडेड पोर्शन निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ सर्कल माइनस इंटीग्रेशन ऑफ लाइन। तो सर्कल को कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, जीरो से लेके वन तक, और लाइन को भी जीरो से लेके वन तक इंटीग्रेट करेंगे। तो हमारा जो एरिया है वो एक्स पे प्रोजेक्टेड है, हम चाहे तो इसको वाई पे भी प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो एक्स पे प्रोजेक्टेड है तो एक्स की लिमिट आ रही है, एक्स की लिमिट आएगी तो हमें फंक्शन भी एक्स के लगेंगे, यानी हमें लाइन के और सर्कल के दोनों के इक्वेशंस को वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले सर्कल के इक्वेशन को लिख लेते हैं जो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन है। तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू वन माइनस एक्स स्क्वायर। फिर हम स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा वाई इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर जो कि वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में आ गया। उसी तरीके से लाइन के इक्वेशन को लिख लेंगे जो कि एक्स प्लस वाई इक्वल टू वन है, तो हम इसको लिख लेते हैं वाई इक्वल टू वन माइनस एक्स जो वाई इक्वल टू जी ऑफ एक्स के फॉर्म में आ गया। तो अगर हम एफ ऑफ एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें सर्कल के नीचे का एरिया मिलेगा और लाइन को इंटीग्रेट करेंगे यानी जी ऑफ एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो लाइन के नीचे का एरिया मिलेगा। तो अब हम शेडेड पोर्शन निकाल लेंगे जो कि हमारा रिक्वायर्ड एरिया है। तो रिक्वायर्ड एरिया हमें मिलेगा कैसे, इंटीग्रेशन ऑफ सर्कल माइनस इंटीग्रेशन ऑफ लाइन से। सर्कल का इक्वेशन एफ ऑफ एक्स है, लाइन का इक्वेशन जी ऑफ एक्स है। तो हम यहाँ पे दोनों की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लेंगे शेडेड पोर्शन में तो हमारा एरिया हो जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू वन अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू वन वन माइनस एक्स। वन को मैंने वन स्क्वायर लिखा है ताकि फॉर्मूला लगाने में आसानी हो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो हमने पिछले किसी सम में अप्लाई किया था। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा एक्स बाई टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए। तो यहाँ पे ए की वैल्यू वन है तो हम यहाँ पे वन लिख लेंगे। फिर वन माइनस एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू। हम यहाँ पे लोअर और अपर लिमिट्स भी सब्सटीट्यूट कर लेंगे और इसको फर्दर सॉल्व करने पे हमें वैल्यू मिलेगी वन अपॉन टू इंटू ब्रैकेट पाई बाई टू माइनस वन स्क्वायर यूनिट्स जो कि हमारा रिक्वायर्ड एरिया है।